नमस्कार नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सरपंच को वहां के राजा ने एक मीटिंग के लिए बुलाया। उसने उस एरिया के सारे सरपंचों को बुलाया था, लेकिन ये सरपंच साहब, इनकी तो मूछें और भी ऊपर हो गई, क्योंकि बड़े खुश थे कि मुझे राजा के महल से इनविटेशन आया। खास तौर से उन्होंने अपने कपड़े तैयार कराए, सिल्क का सफेद रंग का कुर्ता, उसके साथ मैचिंग धोती जूते, वो सब तैयार होकर बड़े सुंदर से अपने आप में जब सरपंच साहब लग रहे थे तो वो महल की तरफ रवाना हो रहे थे, तो रास्ते में एक कोयले के ठेले ने उनकी बाजू को रगड़ लगा दी। अब कोयले का रंग उनके सिल्क के कुर्ते की तरफ इधर से थोड़ा सा उसको काला कर गया। बड़े परेशान हुए, सरपंच साहब ने इतनी तैयारी करी हुई थी और ये काले रंग का जो दाग लगा था वो उससे बहुत परेशान थे, लेकिन अब कर क्या सकते थे, क्योंकि रास्ते में थे, समय हो रहा था, तो वो महल की तरफ उसी तरीके से चल पड़े। सरपंच राजमहल में पहुंचे और वहां पर जाके सभागार में बैठक में भाग लिया। कुर्ते के ऊपर जो काला दाग लगा हुआ था, जब जब उनकी नज़र उस पर पड़ती तो उनको बहुत गुस्सा आता, लेकिन बैठक में जब वो इन्वॉल्व हो गए तो उस दाग को भूल भी गए और बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छे सुझाव दिए उन्होंने, और जब बैठक ख़त्म हुई तो वो अपने घर की ओर वापस चले। जब फिर उनकी नज़र उस दाग पर पड़ी तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने मन में ये बात कही कि आज इस गांव में जितना कोयला है मैं उस सारे की कालक को धो डालूंगा। ऐसे विचार के साथ जब वो अपने गांव में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने, उनके नौकर चाकर थे, उनको सबको ऑर्डर दिया कि गांव का सारा कोयला इकट्ठा कर लिया जाए नदी के पास, और साथ ही साथ उन्होंने ढेर सारा साबुन भी मंगाया। अब सरपंच साहब ने हुक्म दिया कि वो सारे कोयले को साबुन के साथ रगड़कर उसकी कालक मिटाई जाए। अब सारे उनके जो नौकर चाकर थे वो उसकी कालक मिटाने के लिए लग गए, लेकिन कालक कहाँ मिटने वाली थी, उसने जो नदी का रंग भी खराब कर दिया, ऐसी कालक चारों तरफ दिखने लग पड़ी। लेकिन वो अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन परेशान थे कि वो कोयले की कालक को मिटा नहीं पा रहे हैं। जहां पर उस कोयले की धुलाई चल रही थी वहां से एक अजनबी निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि सारी ओर कोयले की कालक फैली हुई है, नदी भी पास में काली हो गई है, तो वो वहां पर रुके और उन्होंने उस आदमी से कहा कि मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या इस कोयले को साफ करने में। अब वो आदमी इतना परेशान था उस कालक को लेकर कि उसने कहा हाँ आप मेरी हेल्प कर दो। तो उस आदमी ने कहा सुबह आऊंगा मैं। अगले दिन सुबह वो आदमी आया और उसने उस सारे कोयले को जमीन पर बिखेर दिया और दिन भर की धूप लगने के लिए छोड़ दिया। शाम हुई तब तक कोयला सूख गया था, तो उस आदमी ने उस कोयले को आग लगा दी। सारी रात वो कोयला जल जल कर खत्म हो गया और राख बन गई। अगले दिन सुबह वो आदमी आया और उसने कहा कि देखो तुम्हारा कोयला साफ हो गया, इसका रंग सफेद हो गया है। तब उसे रियलाइज हुआ कि हर किसी चीज को साफ करने का, उसकी कालक मिटाने का तरीका अलग ही होता है। जरूरी नहीं कि हर चीज साबुन से साफ हो जाए। इसी तरीके से प्रिया, अगर देखा जाए तो भगवान के साथ भी जुड़ने के लिए हमें जो अपने मन की कालक को अगर हम साफ करेंगे तभी हम भगवान से जुड़ पाएंगे। जैसे कोयला जल के वो सफेद हो गया, उसी तरीके से हमारे भी मन के अंदर जो तृष्णाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, अगर हम उनको भी जला देते हैं, अपने मन को साफ कर देते हैं, तभी हम भगवान से मिल पाएंगे। नाम स्मरण करेंगे उससे मन साफ होगा, भगवान से मिलना आसान होगा, भगवान से जुड़ना आसान होगा। अगर हमारी ये बात सुनके आप भी अपने इष्ट के साथ जुड़ सकें,
आप भी अपने मन को साफ कर सके तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन करें।